मुक्तेश्वर से अपनी ट्रिप कंप्लीट करके वापस जा रहे हैं दिल्ली, और अराउंड 6:03 हो रहे हैं। हमने सोचा कि हम करीम्स हवेली, ये जो फैमिली ढाबा है, यहाँ खाना खा लें। अभी तक हमने लंच ही नहीं किया, तो हमारा एक तरह से लंच लेट हो गया है। सो इस तरह का कुछ इसका ओवरव्यू है करीम्स हवेली फैमिली ढाबा का। बिल्कुल वही ढाबा स्टाइल में यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है, बाकी अंदर भी है, तो आप अपने हिसाब से बैठ सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ बैठना बेहतर समझा, बाहर थोड़ी ठंड है, फिर भी हमें ये जगह बेहतर लगी। तो अब हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं खाने के लिए। काफ़ी वैरायटीज़ तो हैं इनके पास, करीम्स के पास। और मेन्यू देखने के बाद हमने फाइनली ऑर्डर किया यहाँ बटेर, चिकन दम बिरयानी, तंदूरी रोटी, चिकन कोरमा और कुछ चिकन कबाब्स। ये जो आप देख रहे हैं ये इनकी बटेर है, और ये अब जो आप देख रहे हैं ये इनका चिकन कबाब है। 350 रुपये के 8 पीस हमने सिर्फ 4 पीस मंगाए हैं, क्योंकि हम 4 लोग हैं, सब एक एक पीस ट्राई कर लेंगे। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं कबाब को, किस तरह का इसका जायका है। कबाब इज़ नाइस, कबाब मुझे अच्छा लगा। सफ़र में इस तरह का जायका मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये अच्छा है। नाउ लेट्स ट्राई दी बटेर। बटेर मुझे इतने पसंद है, ना ही मैंने कभी खाई, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 250 रुपये का है बटेर। तो चलिए थोड़ा सा मैंने पीस बटेर का ले लिया है, और ट्राई कर लेते हैं कि इसका जायका किस तरह का है। बटेर भी सिकने के हिसाब से अच्छी सिकी हुई है, और इस पर कुछ इतना ज़्यादा मीट तो है नहीं, क्योंकि बड़ा छोटा सा साइज़ है यहाँ बटेर का। और अब हम देख लेते हैं इनका कोरमा। कोरमा दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, अरोमा भी इसका अच्छा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि किस तरह का कोरमा है। ये तंदूरी रोटी है इनकी, 10 रुपये की है। चलिए कोरमा अब हम ट्राई कर लेते हैं कि इसका जायका किस तरह का है। तो ये मैं थोड़ा पीस इसका ले लेता हूँ, एंड लेट्स ट्राई द कोरमा। कोरमा अगर मैं बात करूँ सफ़र के हिसाब से, बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, तो उस हिसाब से सेटिस्फैक्टरी है, ओके है। लेकिन अगर आप दिल्ली के कोरमे से कंपेयर करेंगे, जिस तरह के मैंने खा रखे हैं, तो उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स ट्राई देयर चिकन दम बिरयानी। प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने सर्व किया है, और बिरयानी जो इनकी कुछ हैदराबादी स्टाइल आप कह सकते हैं। चलिए इसे भी ट्राई कर लेते हैं, पीस में थोड़ा चिकन का ले लेता हूँ। बिरयानी भी इनकी जस्ट ओके है। आप अगर रास्ते में आ रहे हैं कहीं से, तो आप रुक सकते हैं, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। ओवरऑल मैं बोलूँगा कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमने अराउंड 1200 रुपये खर्च किए। और अगर आप भी उत्तराखंड से आ रहे हैं, ये रास्ते में NH9 पर पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं।